नमस्कार किसान मित्रों, किसान साहब को सादर प्रणाम, धरती माता की जय। मित्रों, आज जीवामृत के लिए एक खास तरह का बैक्टीरिया मुझे मिल गया। ये देखिए, इसके खेत में धान लगाने से पहले ढेचे की फसल थी, तो इस ढेचे के पौधे को मैंने उखाड़ कर ये पानी के अंदर डाल दिया था कि ये अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होने के बाद इसकी खाद बन जाएगी धरती के लिए। परंतु ये डिकम्पोज नहीं हुआ, जड़ समेत उखाड़ रखा था। ये देखिए, इसकी जड़ों के अंदर बैक्टीरिया की ग्रंथियां हैं कुछ विशेष प्रकार की, इन्होंने इसे ज़िंदा रखा और मरने नहीं दिया। ये पौधा आज भी ज़िंदा है, लगभग एक डेढ़ महीना हो गया इसको, एक महीने के करीब हो गया। इसके अंदर जड़ों के अंदर जो बैक्टीरिया है, ये है पानी से पोषक तत्व लेकर और इस पौधे को देता रहा, क्योंकि इसकी जड़ें धरती में नहीं, पानी में तैर रही थी। अब इसको, इसकी जड़ों को मैं ये हिस्सा काट कर अपने जीवामृत के अंदर डाल दूंगा, तो इसके अंदर जो ये लाभदायक बैक्टीरिया हैं, ये अपने जीवामृत के अंदर मल्टीप्लाई होंगे और उसमें एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया ये और ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये तो निश्चित तौर पर सिद्ध हो गया कि ये बैक्टीरिया लाभदायक हैं, क्योंकि इसने पौधे को जिंदा रखा, मरने नहीं दिया पानी के अंदर भी। तो आप भी अपने आसपास कोई इस तरह का कोई अगर बैक्टीरिया हो तो आप उसे समझा सकते हैं, क्योंकि अपने आसपास प्रकृति में हमारे लिए लाभदायक अनेक तरह के जीवाणु मौजूद हैं। धन्यवाद।